अच्छा लग रहा है कि आज हम सभी एक साथ हैं और परेड ग्राउंड में हैं। इसके लिए आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। साथियों, इस दिन से सचिव साहब का ये पत्र, ये जो प्रेम पत्र जो इनका ये हर जगह सोशल मीडिया में फैला, सभी साथी काफी चिंतित थे और चिंता करना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। तो साथियों, आज हम बीच में सचिव साहब के पास गए और ढाई घंटे तक हमारी उनकी मुलाकात हुई उनसे, और हमने उनसे प्रश्न किया कि सर, आपका जो ये पत्र, जो आपने जो ये सोशल मीडिया में जो चल रहा है, इस पर जो आपकी जो लाइनें थी उस पर हमें घोर आपत्ति है और इसके पीछे आपका मकसद क्या था वो हमें बता दीजिए। हमने उनसे कहा सर, ये नियुक्ति नहीं है और एलटी कोई भर्ती नहीं है, ये हमारे जीने और मरने की बीच की कड़ी है। हमने उनको कहा सर, आप कह सकते हैं कि निरस्त हो जाए, लेकिन ये हमारे लिए मरने जैसा काम है अगर इस निरस्त शब्द भी हम सुनते हैं, और वो तब जब हमारी भर्ती पर 13 महीने हो चुके हैं, आज तक एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। ये हमारी कामयाबी है, हमारी साथियों की मेहनत है कि उस भर्ती पर और जिस भर्ती पर इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है, और आप एक पत्र में जारी करते हैं इस भर्ती को निरस्त होने दें। सर, आज उसका कारण आपको पूछने आए हैं, ये हम आपको मिलने नहीं आए हैं, आप मिलना हम कहीं और मिलेंगे, हम आप उसका कारण पूछने आ रहे हैं। अगर हम गलत हैं या आप सही हैं तो आप उसकी बीच की कड़ी बताइए। मुलाकात काफी सकारात्मक रही, उन्होंने कहा मेरा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं था, मैंने प्रशासन को एक पत्र पहले भी भेजा था, उस पर हमने बहुत अच्छी तरीके से भेजा, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। उसके बाद मैं अध्यक्ष साहब जो थपलिया जी थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम कहा कि सर क्या होगा इस भर्ती का, तो उन्होंने उनका एक पत्र और एक हमने एक पत्र दिया। हमने प्रशासन को कहा कि या तो आप हमें कह दीजिए कि हम इस भर्ती पर हमें करना क्या है, और या फिर इस भर्ती को निरस्त कर दीजिए। तो साथियों, दुखद तो है, पर उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इसका मकसद ये नहीं है कि मैं निरस्त के पक्ष में हूँ, आप लोगों ने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। हम भी ये कहकर आ गए हैं सर, जिस दिन अगर ये भर्ती निरस्त होगी उस दिन उत्तराखंड का युवा सड़कों पर होगा, जोरदार तरीके से होगा। इसका अंजाम क्या होगा ये सर मैं लिख के नहीं रह सकता और पंक्तियों में नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने कहा आपको चिंता करने की बात नहीं है मेरे पक्ष से, लेकिन साथियों बात फिर वही आ जाती है कि सचिव साहब ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमने उनको कहा आपके हाथ में कुछ नहीं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं, कैबिनेट मंत्री कह रहे मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, तो क्या ये सरकार पांडव नृत्य कर रही है क्या उतने सालों से, जब आपके हाथ में फिर है किसके हाथ में। लेकिन सचिव साहब का जो जवाब था उससे थोड़ा ठीक भी था कि उन्होंने कहा, हमने कहा सर हमारे साथी बहुत परेशान है उस दिन से, और आप एक संवाद के माध्यम से हमारे साथियों को थोड़ा इस बात को आश्वस्त कर दीजिए कि आपकी मनसा वैसे नहीं थी। तो उन्होंने कहा अभी जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो से आप संवाद जारी करेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं इस बारे में संवाद जारी करूंगा, और ये निरस्त के बाद हमारी तरफ से तो नहीं हो सकती है, लेकिन प्रशासन जाग जाए। हमने इस प्रकार का पत्र भेजा था और प्रशासन आपकी जो रैली, उन्होंने ये भी कहा कि आप अपना जोश दिखाइए, सरकार पर आप दबाव बना सकते हैं, और उस जैसा भी निर्णय वहां से आएगा तो वो हमें हम आपको अवगत कराएंगे भी, और मैं आपकी भरपूर के पक्ष में हूँ। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि जो कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट में जो 4 भर्ती रद्द होने की बात कही थी उसका भी हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर बात यही आती है कि साथियों उनके पास प्रूफ नहीं है, सरकार काम करना नहीं चाह रही, तो फिर इन नौजवान युवाओं का होगा क्या। तो कहने का तात्पर्य ये, भर्ती अब हमारे हाथ में है, न सरकार इसको ले जाएगी न सरकार इसको बचाएगी, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार को ललकारता हूँ कि अगर आप किसी के कहने से इस भर्ती को निरस्त करने की सोचते हैं तो फिर 2014 से ईवीएम मशीन को निरस्त करने की बात करी, कितने निरस्त कर दिए आपने ईवीएम मशीनें कितने, और जब आप एक वार्ड सदस्य का चुनाव रद्द नहीं कर सकते हैं अगर वहां धांधली पाई जाती है, तो फिर क्या आपको क्या लग रहा है ये 1431 लोग ये घास खाने जहां आए हैं। साथियों, निरस्त भर्ती नहीं होने देंगे,
चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन यह है जब आप सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हम उस धरती से हैं जब भगवान शंकर पिस पीने से नहीं घबराते हैं, आज उसी धरती ने आपको ललकारा है। और मुझे तो लगता है इन प्रेम पत्रों से ये निरस्त हो जाएगी, इनसे अगर हम घबराएंगे कभी हो ही नहीं सकता है। तो साथियों अंतिम में आपको यही कहूंगा, सचिव साहब की मंशा क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, सरकार की मंशा उस पर क्या है मैं वो भी नहीं जाऊंगा। हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, हमें वो करना है तन मन धन से, जितना प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बीजेपी सरकार को दो बार मौका दिया है, तो जब हम मौका दे सकते हैं तो फिर हम उस कुर्सी को छीन भी सकते हैं, ये हमारे अंदर है। तो साथियों जो जमीन पर देखकर जो आसमान पे देखता है पंखों को खोल, भूल गए थोड़ा। तो साथियों आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग जाएंगे नहीं, और डंगवाल सर से मेरा निवेदन रहेगा कि सर मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब किसी एक सब्जेक्ट एक व्यक्ति की नहीं है, आपसे निवेदन एक सुझाव है कि यहाँ पर एक समिति गठित आप लोग कर दीजिए, उस समिति में हमारे जो ऊर्जावान साथी है उनका वहां पर रखेंगे, ताकि आज जो मैंने देखी है, आज जो हमारी रैली थी उस रैली में कुछ ऐसा भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हम व्यक्तिगत कभी किसी को जूते मारे सालों को, सर मैं एक अध्यापक होने के नाते